फ्रेंड्स, आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन पेज नंबर ऊपर का आ रहा है। हाँ, 2.15 कौन ये आ रहा है क्या? पूरा क्लियर ना? चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद पेज 2.15, क्वेश्चन नंबर 15। हम चैप्टर के नियर बाय एंड पे आए हैं। नियर बाय एंड का मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 बराबर है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 11 और आज क्वेश्चन 15, 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये 10 में से 5 नॉर्मल थे, 3 में एडमिशन फर्स्ट डे को था, लास्ट लेक्चर में एडमिशन साल के बीच में था, आज भी एडमिशन साल के बीच में है। इसके बाद मैं और एक दो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं रिटायरमेंट और डेथ सिखाऊंगा। एडमिशन में पार्टनर आता है, रिटायरमेंट में पार्टनर जाता है, यही फर्क है, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन एज इट इज सेम। फाइन, तो आज क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ने मुझे पर्सनल में रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारे पास, हम गांव में जाकर बैठे हैं, सो वी डोंट हैव कॉपी ऑफ द बुक्स, तो सर प्लीज़ कुछ अरेंज करके दो। तो मैंने आई थिंक आपके ग्रुप में चैप्टर का PDF भेजा हुआ है, तो PDF और से पूरा क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आप गांव में भी बैठ के पढ़ सकते हो। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस साल जेन्युइनली बहुत सारे स्टूडेंट्स को फीस का प्रॉब्लम हुआ है, मैं समझ सकता हूँ, बट देर आर मैनी स्टूडेंट्स जो फीस भर सकते हैं, बट आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे। अभी जिनको जेन्युइनली तकलीफ है ना, मैं नहीं चाहता मैं उनसे फीस मांगूंगा, बट जो जेन्युइनली भर सकते हैं ना, प्लीज अब थोड़ा बहुत फीस भरो। सी, हमने जून से लेक्चर्स को स्टार्ट किया है, मेरा सेकेंड टॉपिक अभी खत्म हो जाएगा और दो लेक्चर्स हैं, मतलब ये वीक में आपका ये सेकेंड टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं फाइनेंस के थर्ड टॉपिक को चालू कर दूँगा। ठीक है, चार ही टॉपिक मेरा फाइनेंस ऑलमोस्ट हो जाएगा, मैं पकड़ के चल रहा हूँ सेप्टेम्बर में मेरा फाइनेंस हो जाएगा। अगर हमको कहीं पर लगा ना कि ऐसा है कि बच्चे लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो हम इन लेक्चर्स को सर्वर के थ्रू भेजेंगे। जब इसको सर्वर के थ्रू, हमने सर्वर बिठा के लिया, सर्वर के थ्रू अगर लेक्चर चला गया ना, तो फिर आपको आईडी जाएगा, एक आईडी पासवर्ड, वो आईडी पासवर्ड डालने के बाद ही वो लेक्चर आपके यहाँ पे खुलेगा। फिर ऐसा हो जाएगा कि वो आईडी पासवर्ड हम खाली उन्हीं स्टूडेंट्स को भेज पाएंगे जिन्होंने एडमिशन लिया है या कुछ भी नॉमिनल फीस भरा है। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फीस ही नहीं भरा है, फीस छोड़ दो एडमिशन भी नहीं लिया है, इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस। अभी आप हमारा TY का बैच देखो, 210 स्टूडेंट लेक्चर को बैठ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट क्लास में आके बुक्स लेके गए, क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट ईयर है। आपका अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, आपको लग रहा है वैसा कुछ भी गड़बड़ हुआ, आप नहीं समझ सकते, आपका और एक साल वेस्ट हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी मुंबई में है प्लीज आओ, स्टेशनरीज लेके जाओ, अभी लॉ का बुक भी आ जाएगा ये। फाइन, जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम है मैं संभाल के लूंगा, बट इस वीक में हम इंडिविजुअली ये देखेंगे कि कौन है पॉसिबल जो भर सकता है, प्लीज भर दो। फाइन, आप नॉमिनल अमाउंट भरो, मैं नहीं बोल रहा आपको ज्यादा फीस भरो, एक नॉमिनल अमाउंट भरो, अपना बुक्स लेके जाओ प्लीज। फाइन, सो पेज 2.1 क्वेश्चन नंबर 15, पेन या पेंसिल ले लो प्लीज, चालू करो, क्वेश्चन टिक मार्क करके देता हूँ। Following is the trial balance of partnership firm PQR on March 2008 बोला हुआ है, डेबिट से डिस्कस करो, टिक मार्क करो। ड्रॉइंग दिया है जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा PQR का, बिल्डिंग को लिखो एसेट, मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, तीनों एसेट लिखा। स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट में जाता है, हमेशा स्टार्ट का स्टॉक है वो। डेटर एसेट, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, कैरिज इनवर्ट ट्रेडिंग डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस P&L डेबिट, सेलिंग एक्सपेंस P&L डेबिट, लिख रहे हो ना? फाइन, कैश और बैंक दोनों एसेट AA लिखने का। यार एडवांस का मतलब लिखो प्रीपेड होता है, लिखो पहले उधर, एडवांस का मतलब प्रीपेड, प्रीपेड मीन्स एसेट, एनीथिंग प्रीपेड इज एसेट। चलो हो गया, दूसरे साइड पे जा रहा हूँ, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। कैपिटल है पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट, क्रेडिटर है लाइबिलिटी, और सेल्स का आ जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट। ठीक है, पहले एडजस्टमेंट काम का है, क्या बोलते हैं देखो, 1 अक्टूबर 2007 को, अक्टूबर बोला तो साल के बीच में आने वाला है, तो याद रखना 1 अक्टूबर 2007 को R was admitted who brought 10,000 as his capital for which entries passed,
जो उसने 10,000 रुपये लाया है ना, वो ऑलरेडी एंट्री पास हो चुका है। तो दिख रहा आर का ये 10,000 रुपये है, तो ये पूरा का पूरा उसका कैपिटल है। एडजस्टमेंट बोलता है कि उसका कैपिटल का एंट्री पास हो चुका है, लेकिन ही लेटर ऑन ब्रॉड 4,800 फॉर गुडविल फॉर विच एंट्री इज टू बी पास्ड, मतलब उसका अब तक एंट्री पास नहीं हुआ है। मैंने क्या बोला था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में पैसा दो जगह से आता है, एक कैपिटल के लिए गुडविल, जो कैपिटल का अमाउंट होता है हम कैपिटल में दिखाते हैं, गुडविल का अमाउंट हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटते सिखाया मैंने। बट अभी इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर आर का खाली कैपिटल दिया हुआ है, तो ये पूरा इधर जाएगा, गुडविल का अमाउंट नहीं दिया। मतलब मैं एरो करके बता रहा था हर क्वेश्चन में, अभी नहीं दिया, गुडविल एडजस्टमेंट भी दिया, तो इसके दो इफेक्ट देने पड़े। अगर इधर 15,000 होता, 15 आर का कैपिटल 15 होता, बोलते 10 कैपिटल 5 गुडविल, तो 10 कैपिटल दिखाते 5 इधर दिखाते। अभी इधर गुडविल है ही नहीं, गुडविल डायरेक्ट एडजस्टमेंट में बताया, तो हमको उसके दो इफेक्ट देने पड़े, एक बैलेंस शीट के एसेट में और दूसरा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दे। फाइन, याद रखना अच्छी। एडजस्टमेंट बी बोलता है पी एंड क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, तो ये ओल्ड रेशियो हो गया। आफ्टर आर का एडमिशन उनका रेशियो हो गया 2:1:1, तो फिर से एक अच्छा चीज हो गया कि हमको रेशियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। चलो, सेल्स रेशियो ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ एंड सेकेंड 6 मंथ इज 3:2, तो सेल्स रेशियो दिया है, तो याद रखना सेल्स का अमाउंट 3:2 में बटेगा और सेलिंग एक्सपेंस भी 3:2 में बटेगा। याद रखना जो भी सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि सर एडवर्टाइजमेंट बोला था मैंने, कैरेज आउटवर्ड डिस्काउंट अलाउड, सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कमीशन टू सेल्समैन, सेल्स के रिलेटेड जो भी खर्चे रहते हैं ना, वो सेल्स रेशियो में बांटने। सेल्स का कोई रेशियो नहीं होता, सेल्स के अमाउंट में से रेशियो बनाना पड़ता है। लकीली इस क्वेश्चन में उन्होंने पॉइंट नंबर सी में सेल्स रेशियो बता दिया 3:2, सॉल्व करने के टाइम फिर इसे एक्सप्लेन कर दे। चलो और आगे जाते हैं। आउट ऑफ ऑफिस एक्सपेंस 500 बिलोंग टू सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ओनली, द बैलेंस टू बी डिवाइडेड इक्वली, क्या है मैं बाद में समझाता हूँ, डोंट वरी, छोटा एडजस्टमेंट है ऑफिस एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मोटर कार 5% 10% बोला है, तो ऊपर जाके बिल्डिंग और मशीनरी पे डॉट आएगा क्या। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मालूम है क्या करने का, पहला इफेक्ट लिखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट, सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, अप्रोप्रिएशन डेबिट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक 30 सितंबर का 4,000 बोला है, इधर का सितंबर का 4, इधर का क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, और 31 मार्च का मतलब यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक, कल ही सिखाया तुमको लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे और यहाँ पे आएगा। चल नाउ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोला, पहले सिंपल में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सब समझ के लेते हैं। अभी हमेशा क्वेश्चन के ऊपर है ना, ईयर एंडिंग क्या है देखने का, दिख रहा है क्या, हाँ क्या बोला है, 31 मार्च बोला है कि नहीं, तो जब ईयर एंडिंग मार्च है तो स्टार्ट कब होगा, अप्रैल, तो पहले मंथ्स लिख के लिखता हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और क्या मार्च, एक मिनट में चेक कर, तो आपको दिख रहा है कि नहीं, यस दिख रहा है, ये पवन का मोड चेंज किया है ना, एरोप्लेन मोड डाला है ना, ठीक है। चलो अभी एडजस्टमेंट वन बोलता है कि 1 अक्टूबर को आर का एडमिशन हुआ है, मतलब 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक खाली दो ही पार्टनर थे, कौन, पी और क्यू, बरो ना, पी और क्यू, डोर खोल दिया पवन, ठीक है, पी और क्यू, इनका रेशियो दिया है देखो एडजस्टमेंट बी में 3:2, तो ये कौन सा रेशियो है सर, दिस इज द ओल्ड रेशियो, बराबर है, और अक्टूबर महीने में आर आ गया, तो अक्टूबर से मार्च 3 लोग हो गए, पी क्यू आर, और इनका भी रेशियो दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया, 2:1:1, क्लियर के सबको। चलो इधर देखो पॉइंट नंबर बी में, उंगली पे ध्यान दो, पॉइंट नंबर बी दिख रहा है सबको, चलो क्लियरली बोला ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 2:1:1, तो मैंने रेशियोज रेडी कर दिए, ये ओल्ड रेशियो है ये न्यू रेशियो, तो रेशियोज क्लियर हो गया सबको, फाइन, क्वेश्चन सिंपल है, एडमिशन साल के बीच में हुआ है, कब हुआ है, बीच में अक्टूबर में, तो अप्रैल से सितंबर दिख रहा है क्या, अप्रैल से सितंबर फर्स्ट 6 मंथ्स, अक्टूबर से मार्च सेकेंड 6 मंथ्स, यही सब जगह पे लिखा है, यहाँ पे हाफ ऑफ नहीं होता, पूरा एक ही लिखा जाता है, बैलेंस शीट में कभी कुछ हाफ ऑफ नहीं होता, पूरा लिखा जाता है। फाइन, ऐसा क्यों करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, पहले 6 महीने खाली 2 लोग थे,
तो पहले 6 महीने का प्रॉफिट ढूंढ के 2 जन में बांटना पड़ेगा, नेक्स्ट 6 महीने में 3 लोग हो गए तो प्रॉफिट ढूंढ के 3 जन में बांटना पड़ेगा। इसके लिए ये हो गया उसका एडमिशन एमकॉम 2, तो उसको वीडियोस भेजने को पहले चलो नहीं पहले का ओल्ड वीडियोस भेजना होगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड से, ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आया 3000, 2000, 1000। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग एसेट है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग 20000 दिख रहा है सबको, वेरी गुड। मशीनरी 10000 क्योंकि उस पर भी डेप्रिसिएशन है, वेरी गुड। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन नहीं है, फर्नीचर डायरेक्ट आउटर में लिखा 10000। ओपनिंग स्टॉक के है, कभी भी आप ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट यहाँ पे आएगा कितना 3000। डेटर इधर आएगा, डेटर पे कोई ऑलरेडी बैड डेट्स कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इसके लिए दिख रहा है ना मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है। 25000 हाँ, परचेज जाई मत करो तो 2 परचेज। अभी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में ना उन्होंने बोला था कि पहले 6 महीने का परचेज इतना, तो बाकी 6 महीने का हमने खुद से निकाला। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला रहेगा ना हर चीज को हाफ ऑफ करने का। तो परचेज का अमाउंट 35000 है तो 17.5 होना चाहिए, यस 17.5 तो 17500 लिख दिया मैंने। परचेज बात क्या है सर, वेजेस सेम, तो वेजेस 1750 वेजेस का अमाउंट है 3500 का डिवाइड बाय 2 किया 1750 वेरी गुड। चलो कैरेज क्या इनवर्ट, कूलिंग चालू के लगते देख कैरेज इनवर्ट हाफ आप 750 1500 है ना आप है ना, वो भी चेक करने को 750 750। चलो फिर ऑफिस एक्सपेंस समझा ना, दूसरी कुछ चीजें नहीं नहीं था। अभी ऑफिस एक्सपेंस का अमाउंट कितना, चलो पहले बजाओ मुझे बताओ ऑफिस एक्सपेंस का अमाउंट दिख रहा है सर 12000। देखो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, सिंपल है, दो चार गांव के लोग छोड़ के ना बाकी सबको समझने वाला चीज है, कुछ है ही नहीं इसमें, दमी नहीं एडजस्ट, आप खाली ध्यान दो बस। आपका ऑफिस एक्सपेंस 12000 है, एडजस्टमेंट नंबर डी क्या बोलता है देखो, आउट ऑफ ऑफिस एक्सपेंस 500 बिलोंग टू सेकेंड हाफ, इतना ही पढ़ो बस, एडजस्टमेंट डी देखना मैं सामने रख रहा हूँ आपके, बराबर है। तो लोग बोलते हैं कि इसमें से 500 रुपया सेकेंड हाफ का है, सेकेंड हाफ का, तो मैं इसको पोस्ट लिखता हूँ पोस्ट, फर्स्ट हाफ को मैं प्री बोलता हूँ, सेकेंड हाफ को मैं क्या बोलता हूँ पोस्ट। तो बचा कितना सर 11500, बराबर ना 11500। तो क्या लगता है देखने में कि ये प्री में आना चाहिए, प्री मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स का ऐसा लगता है और ये सेकेंड 6 मंथ्स का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने क्या बोला है कि आउट ऑफ ऑफिस एक्सपेंस 500 रुपए सेकेंड हाफ का, बाकी का आप दोनों में इक्वली डिवाइड करो, तो दोनों में इक्वली मतलब ये वापस प्री और पोस्ट होगा, मतलब हाफ हाफ, तो 11500 डिवाइड बाय 2 तो 5750 अगेन 5750 ध्यान दे देना तो समझेगा आपको, कुछ है ही नहीं इसमें। आपका ऑफिस एक्सपेंस 12000 है, बराबर है। वो लोग बोलते हैं कि 500 रुपए सेकेंड हाफ का है, तो पूरा मैंने सेकेंड हाफ को क्या नाम दिया पोस्ट, फर्स्ट हाफ को क्या नाम दिया प्री, तो ये पूरा पोस्ट में चला गया, बचा कितना 11500। इसके बारे में बोला कि दोनों को इक्वली में बांटो, तो इक्वली में बांटे तो 5750 5750। अभी जब हम लिखेंगे ना तो प्री में खाली 5750 आएगा, लेकिन पोस्ट में ये दोनों को हम क्या कर देंगे, ये वाला भी पोस्ट है ये वाला भी पोस्ट है, दिख रहा है सबको। चलो तो टोटल विल बी 6250 क्लियर, इट विल बी 6250 बोलो सब जा सबको, चलो वेरी गुड। फिर क्या बोल रहे सर, सेलिंग एक्सपेंस है, अभी सेलिंग एक्सपेंस के बारे में एडजस्टमेंट को सी क्या बोलता है, सेल्स रेशियो द फर्स्ट 6 मंथ एंड सेकंड 6 मंथ इज 3:2, पॉइंट नंबर सी देखना, इसका मतलब जो जो चीज सेल्स से रिलेटेड है, जैसे कि सेल्स खुद
सेलिंग एक्सपेंस से सपोज एडवर्टाइजमेंट होता है, कैरेज आउटपुट होता है, सबको 3:2 में बांटू, उन्होंने खुद बोला है। सर अगर ये नहीं बोला होता तो सेल्स का जो भी अमाउंट आप देते ना वो लोग उसी रेशियो में हम इसको बांटते। जैसे कि लास्ट लेक्चर में 6 लाख 8 लाख था, तो 6 लाख 8 लाख 6:8 में हमने बांटा, यहाँ पे 3:2 बोला, खत्म हो गया ना बात, 3:2 में निकालते आंसर। जो सेलिंग एक्सपेंस है कितना सर, सेलिंग एक्सपेंस है 8,000, तो 8,000 डिवाइड बाय 5 × 3 तो ये आएगा 4,800 और ये आएगा 3,200 सेलिंग एक्सपेंस। ओके चलो, उसके बाद कैश बैलेंस बैंक का दोनों इधर ही है। कैश बैलेंस बैंक बैलेंस अमाउंट अमाउंट है कैश बैलेंस बैंक बैलेंस का, अरे 16,000 15,000 16,000 15,000 बराबर है फाइन। और लास्ट में एडवांस, एडवांस मतलब प्रीपेड होते हैं, हमने किसी को एडवांस दे के रखा अपने लिए, वो एसेट है। चार, ये आपका पूरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड हो गया। अगर क्रेडिट साइड पे जाता हूँ, पहले कैपिटल दिया थी हमने के लिए 30, 20, 10 फिर क्रेडिटर है, क्रेडिटर इधर लिखा देगा आपके से 31,000 और फिर लास्ट में सेल्स है। तो उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर सी में देखो ना क्लियरली बोला है कि आप सेल्स को कैसे बांटो 3:2 में। तो जब सेल्स को 3:2 में बांटेंगे तो सेलिंग एक्सपेंस भी 3:2 में बांटेगा। तो कितना है सेल्स सर, सेल्स है 78,000, तो ये आ गया 46,800 इसका आया 31,000 उसका सेल भी लिख के हो गया। यहाँ पे जाके हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस उसका क्या हुआ है वो भी कर रहे हैं, कूलिंग अच्छा हो गया। चल 3:2 में हमने सेल्स को भी बांट दिया। चलो मेरा पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, एक एक एडजस्टमेंट समझाता हूँ। पहले एडजस्टमेंट में बोला है कि 1 अक्टूबर को आर का एडमिशन हुआ है, वो 10,000 रुपये लेके आया कैपिटल कर और बैलेंस शीट में दिखाया है, ट्रायल बैलेंस में दिखाया है। तो ये देखो आर का कैपिटल 10,000 रुपये दिखाया है, बराबर ना, तो ये देखो दिखाया। लेकिन बाद में थोड़े टाइम के बाद में और 4,800 लेके आया गुडविल के, जो बैलेंस शीट में दिख रहा ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया। देखो ना क्लियरली बोला, ही ब्रॉट 4,800 फॉर गुडविल फॉर विच एंट्री इज टू बी पास, मतलब अभी तो उसका एंट्री पास नहीं हुआ है। तो याद रखना अगर गुडविल का अमाउंट अंदर दिया रहेगा ना, इधर अंदर अंदर अंदर, तो सिंगल इफेक्ट दिखाने का यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं एडजस्टमेंट में बताया तो डबल इफेक्ट। देखो आज देख लो आप, देखो ये पहला इफेक्ट आएगा गुडविल 4,800 और सेकंड इफेक्ट जैसा पहले देते थे बाय गुडविल, दोनों में बटेगा ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या 3:2 है, तो 4,800 या 2,880 या 1,920 दो इफेक्ट दिया। फर्क क्या है सर, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर गुडविल है सिंगल इफेक्ट ये वाला, जब एडजस्टमेंट में बुलाया ट्रायल बैलेंस में नहीं बुलाया तो डबल इफेक्ट। ये पहला ये दूसरा। इसके पहले कोई भी क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 11 अब कोई भी देख लेना, क्वेश्चन 8 भी आप देख लेना, अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर ही रहता था, कैपिटल अलग गुडविल अलग अंदर ही रहता था, बताया रहता था कि 15,000 लाया हो 10 कैपिटल का 5 गुडविल का, तो हम कैपिटल इधर दिखाते थे गुडविल इधर दिखाते। ये क्वेश्चन में कैपिटल का ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, गुडविल का एडजस्टमेंट में बताया ट्रायल बैलेंस में नहीं बताया, इसलिए मैंने उसका दो इफेक्ट दिया पहला और दूसरा। एडजस्टमेंट वन हो गया, एडजस्टमेंट टू में रेशियो बोला था उसका ओल्ड रेशियो इन रेशियो हो गया। एडजस्टमेंट सी में सेल्स रेशियो बताया था, सेल्स रेशियो मैंने कर दिया। एडजस्टमेंट डी में ऑफिस एक्सपेंस के बारे में बोला था, ये क्या वर्किंग नोट है ऑफिस एक्सपेंस का, बांट दिया। एडजस्टमेंट ई में डेप्रिसिएशन बोला, चलो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना परसेंट बोला है सर, 5%, तो 5% 20,000 का 5% होता है 1,000, 20 में से 1 गया 19,000। इसका सेकंड इफेक्ट देखो इधर आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कुछ नहीं करने का, सीधा हाफ ऑफ ले लेगा, डेप्रिसिएशन 12 महीने का है वो,
तो पहला 6 महीना सेकेंड 6 महीना 1000 रुपये का ऑफर कैसे होगा? 500 500। वेरी गुड। फिर वापस चलो गया। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी बोला है कितना परसेंट? 10%। तो 10,000 का 10% 1000 ही होगा। सेकेंड इफेक्ट सेम, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लिखा है 500 500। सीधा हर चीज को ऑफ ऑफ करने का सेलिंग एक्सपेंस छोड़ दिए, इतना याद रखो ना, जो सेल्स रिलेटेड खर्चे रहते वो छोड़ दो। एडजस्टमेंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई भी हो गया, एडजस्टमेंट जी बाकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लो एक बार, सब चीज वापस वापस आ रहा है तो प्रैक्टिस हो गया ना अच्छे से। पी क्यू आर नहीं करना। अभी पहले का कैपिटल कितना है? 30,000। कितना परसेंट बोला? 10%। 30,000 का 10% होगा 3,000, तो साल का 3,000, तो 1500 1500 इधर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000। फिर दूसरे वाले का 10% होता है 20,000 का 2,000, तो इधर 1,000 इधर 1,000 पर इधर डायरेक्ट 2,000। तीसरे वाले का 10%, तो इसका 10% होता 1,000, बट यहाँ पे आएगा डैश, यहाँ पे आएगा 500, खाली 500। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आर का हमने फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया? वेरी गुड वेरी गुड। मतलब कुछ लोग जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता चल गया कि आर का एंट्री ही यहाँ पे हुआ है, पहले 6 महीने में था ही नहीं, खाली पी और क्यू था। तो पी और क्यू को पूरे साल का इंटरेस्ट मिलता है, आर को खाली सेकेंड 6 मंथ्स का मिलता है, फर्स्ट 6 मंथ्स का नहीं। उसका साल का 10% होता था 1,000, तो हमने फर्स्ट 6 मंथ्स का 500 नहीं लिया, खाली सेकेंड 6 मंथ्स का 500। वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक 30 सितंबर का दिया है, याद करो मैंने परसों लास्ट लेक्चर में सिखाया था, सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक 4,000। सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक हो गया, यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का ओपनिंग स्टॉक, देखो प्रैक्टिस हो गई। वापस उसी में मार्च का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है 5,000। ये वाला क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे, सेकंड इफेक्ट यहाँ पे, और साल का एंड का है ना, बैलेंस शीट एंड में बनता है, तो खाली बैलेंस शीट नहीं, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक। कभी कभी याद है कि हम लोग ये क्लोजिंग स्टॉक देंगे ही नहीं, तो यहाँ पे भी डैश कर देना, यहाँ पे भी डैश कर देना, हो गया क्लियर। चलो तो ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं चाहता हूँ क्लोजिंग करूँ मैं इसका खुद से। ओके आई टू द क्लोजिंग। एवरीवन 46 + 4 50,800 50,500 36,200 50,000 200 माइनस करो 50,800 माइनस सर बाजू में लेक्चर देखता है माइनस 3,000 माइनस 17,500 50,800 माइनस 3,000 माइनस 17,500 माइनस 3,000 माइनस 17,500 तो अमाउंट इज 27,800 बाजू में 36,200 माइनस 4,000 माइनस 17,500 माइनस 1,750 माइनस 750, तो ये बैलेंस आया 12,200। क्या बोलोगे इसको? इसको बोलेंगे सर ग्रॉस प्रॉफिट, वो इधर जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 27,800 12,200। क्लियरली दिख रहा है, यही टोटल ज्यादा है, सब छोटा छोटा अमाउंट है, ये तीन ना बराबर है, तो 27,800 12,200 दिख रहा है ना। चलो माइनस करो तो -6,250 -3,200 -1,000 तो यह आया 1,750 नेट प्रॉफिट। बाजू वाले का ढूंढता हूँ 27,800 -5,750 4,800 और 1,000 यह आया 16,250। क्या बोलेंगे सर इसको? इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये डेबिट से दिख रहे हैं, क्रेडिट में ट्रांसफर हो रहा है बाय नेट प्रॉफिट। अभी ध्यान देने वाला चीज आ गया आज, 16,250 1,750 ध्यान देने वाला चीज आ गया प्लीज आज। हाँ अभी थोड़ा सा ध्यान दो, ये 2,500 ये 16,250 तो 16,250 माइनस 2,500 किया तो ये आया 13,750
750, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या है सर ये? डिविजिबल प्रॉफिट। ध्यान देना, मैं कुछ सिखा रहा हूं तुमको, ठीक है? लेकिन जरा नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में इसका टोटल दिख रहा है क्या? 2,500+3,000 और ये 1,750 है, तो ये साइड ज्यादा है, ये साइड ज्यादा है। और 1,750 अगर माइनस करोगे तो 1,250 का ये डिविजिबल लॉस आया है, मतलब पहले छह महीने में प्रॉफिट हुआ है लेकिन नेक्स्ट छह महीने में लॉस हुआ है। आप ही देखो ना, डेबिट साइड जब ज्यादा रहता है तो एक्सपेंस रहता है, क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा तो इनकम। पहले छह महीने में 16,000 या 2,500 है, तो इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम। सेकेंड सिक्स मंथ भी 3,000 है, 1,750 है, मतलब एक्सपेंस ज्यादा और इनकम कम, तो ये भी पॉसिबल है। कुछ नहीं, जैसे मैंने सिखाया वही करो, ये पी और क्यू में बांट दो। ये 13,750 थोड़ा नीचे लिख रहा, P और Q में बांटेंगे, और ये वाला अमाउंट P, Q और R तीनों में बटेगा। अब ये P और Q में कैसे बटेंगे? रेशियो है 3:2, तो 13,750 डिवाइड बाय 5 × 3, तो ये आया 8,250 माइनस, तो ये आया 5,500। अभी ध्यान देना प्लीज, ठीक है? ये वाला अमाउंट उठा के इधर रखो, दिखाया डिविजिबल प्रॉफिट, इधर दिखाया 8,250, 5,500। अब ये तीनों में कैसे बांटेंगे? 2:1:1, तो 1,250 डिवाइड बाय 4 × 2, तो ये आया 625। अभी 1,250 डिवाइड बाय 4 × 1, इसको मिलेगा 313 और इसको मिलेगा 312, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है ना, तो एक को ज्यादा दिया एक को कम, तीनों का मिला के टोटल इतना होना चाहिए। एक रुपया ज्यादा भी नहीं चलेगा, कम भी नहीं चलेगा, तो टैली नहीं होगा। 5 + 3 + 2 + 1 = 5। चलो ये इधर आएगा 2 डिविजिबल क्या लॉस, 625 313 31। अभी क्लोजिंग पे ध्यान देना, ये तो क्लियरली दिख रहा है ना, यही ज्यादा है। तो 30,000 + 2,880 + 3,000 + 8,250, तो टोटल इज 44,130 माइनस 3,625, तो ये बैलेंस आया 40,505 बाजू वाले का दोनों पे, 20,000 1,920 2,000 5,500, तो ये आया 29,420 माइनस 2,313 27,107 बराबर है। तीसरे का ढूंढते 10,500 माइनस 1,312, ठीक है? इसको क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरी डाउन, कैपिटल ऑफ पी क्यू आर 40,505 27,107 और 9,188, ठीक है? चलो टोटल करते हैं, इसका टोटल आ रहा है 1,07,800। उधर का करते हैं 19,000 9,000 10,000 25,000 16,000 15,000 4,000 4,800 5,000। तो 1,07,800। लो क्लियर थे सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो आपने देखा पार्टनरशिप वाला अकाउंट बहुत सारे कॉलेजेस में, क्लासेस में भी ये वाला पार्ट सिखाते ही नहीं, क्यों? बच्चों को नहीं समझता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियोस को दो दो बार देखो, आपको अपने आप समझ में आएगा, कुछ है ही नहीं, आप आराम से कंप्लीट कर सकते।
नाउ एफ आई बी कॉम का 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लग गया, एफ आई बी कॉम का एडमिशन चालू हो गया है, 10th वालों का ये वीक में रिजल्ट लगने वाला है, 11th का एडमिशन चालू हो रहा है, बच्चों लोगों को फॉर्म भरने में तकलीफ हो रहा है, तो हमने हमें हमारे यहाँ पे सेटअप लगा के रखा है, जिसको भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है गवर्नमेंट का, कन्फ्यूजन हो रहा है, अपना डॉक्यूमेंट्स लेके क्लास में आएगा, हम उसको पूरा का पूरा फॉर्म भर के दे देंगे, 12th वालों का 13 के लिए, 10th वालों का 11th के लिए, आपके सर्कल में कोई भी रहेगा उनको इन्फॉर्म कर देना, ऑनलाइन एडमिशन हम क्लास में करवा के दे रहे हैं, जो कॉलेज में उनको करना है। प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे जगह पे साइबर कैफे सब बंद है, दैट्स द रीजन। ठीक है, चलो आज के लिए पैकअप करते हैं, गुड बाय टू यू।